यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, फिर से खेलने वाले GTA 5। तो गाइस, जैसा कि आपने हमारी स्टीलिंग सीरीज के पिछले एपिसोड में देखा था, हमने चुराई थी एक रिच यूट्यूबर की रेंज रोवर। उसके बाद भाई वो रेंज रोवर बॉस के पास भेजती थी। बॉस ने कहा कि आज हमारे जो घर के पास वाला गोल्फ क्लब है उसमें आए हैं मिस्टर बीस्ट अपनी लैम्बोर्गिनी सियान लेके, भाई साहब जो कि बहुत कस्टमाइज हो रखी है, उसको आज हमें चुराना है। तो फटाफट अपनी बाइक लेके चलते हैं सीधा यहाँ से, और अभी बॉस कंफर्म करके पक्का कर देंगे कि हाँ उसी में है, नहीं तो दूसरे वाले क्लब में जाना पड़ेगा हमें। तो भाई फ़ोन आ चुका है यहाँ पे, बात करते हैं फटाफट। भाई यहाँ पे बॉस ने कंफर्म कर दिया गाइस कि वो उसी क्लब में है, और देखना पड़ेगा कहाँ से रास्ता है। यहाँ से सीधे जाके हमें इस वाली कट से ही मुड़ना है भाई, यही है पूरा गोल्फ क्लब का एरिया। अब देखते हैं किधर साइड से एंट्री है। एंट्री तो मुझे भी नहीं पता भाई, इधर तो पूरा इन्होंने नेटवर्क सब पूरा लगा रखा है, जैसे कोई आ ना जाए और ना कोई बॉल वगैरह बाहर चली जाए। भाई बाउंड्री भी काफ़ी बड़ी है, चढ़ नहीं सकता मैं। अब देखना पड़ेगा भाई कितनी सिक्योरिटी है, कौन सी कार है, लैम्बोर्गिनी लाए हैं कि बॉस पिछली बार की तरह मेरे को पागल बना रहे हैं। तो गाइस यहाँ से तो पूरा सील कर रखा है इन्होंने नेट लगा के पूरा, और भाई होटल वाले भी एंट्री नहीं देंगे, मास्क पहन रखा है मैंने इतना ख़तरनाक। तो फटाफट अपनी बाइक को भगा के यहीं आगे की तरफ देखता हूँ भाई, यहाँ तो मुझे अब तक कोई एंट्री नहीं मिली। एक मिनट, यहाँ से कुछ दिख रहा है गाइस, साइड में लगानी पड़ेगी भाई। इतने गार्ड क्यों खड़े हैं भाई, मिस्टर बीस्ट के लिए इतनी सिक्योरिटी? मिस्टर बीस्ट की लैम्बोर्गिनी है या प्राइम मिनिस्टर की लैम्बोर्गिनी है? हाँ भाई, मिस्टर बीस्ट काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं। और भाई आप लोग देख रहे हो हमारी स्टीलिंग सीरीज, देखो यहाँ से फटाफट दिख रहा है सामने, यहाँ से दिख रही है लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी दिख रही थी ना, रेंज रोवर टाइप की भी लग रही थी भाई, कोई गाड़ी हो सकता है गार्ड्स की हो। तो आप लोग देख रहे हो हमारी स्टीलिंग सीरीज और ये है एपिसोड नंबर 11, और मैं हूँ इंटरनेशनल चोर रॉकी, जो कि चुराता है रिच यूट्यूबर्स की कार। और भाई साहब यहाँ देखो सामने की तरफ आपको दिख रही होगी गार्ड्स खड़े हैं, वहीं पर कोई कार खड़ी है। अब देखना पड़ेगा अंदर जाके, चलते हैं फटाफट अंदर की तरफ। यहाँ बाइक ठुक गई, जिसमें हम ये जो सीरीज है इसमें हम गोल्डन कार्स यूट्यूबर्स की कार, आप लोग भी कमेंट कर सकते हो मैं कौन से यूट्यूबर की कार चुराऊँ और कौन सी कार चुराऊँ। तो फटाफट भाई इधर की तरफ से देखते हैं एंट्री। एंट्री नॉर्मली भाई लेते हैं, गार्ड्स खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर से मिल जाएगी। और इधर भी गार्ड खड़े हैं, क्या कर, एक ही होता है मार भी देता। अभी ये तो यहाँ पे दो तीन खड़े होंगे, अंदर पता चली मेरे कोई मार दें, गन लेके खड़े हैं। और भाई इधर चल बात करते हैं इनसे नॉर्मली कि भाई हमें अंदर जाना है, ऐसी हमने बाइक ले रखी है, इस वजह से मास्क पहन रखा है, कस्टमाइज कराया हमने कोई। और भाई इनसे बात करते हैं फटाफट। तो गाइस बात हो चुकी है इनसे, और ये कह रहे हैं कि मिस्टर बीस ने ना ये जो पूरा गोल्फ क्लब है ये एक डेढ़ घंटे के लिए रेंट पे ले लिया अपनी वीडियो को शूट करने के लिए, इसलिए वो यहाँ पे किसी को एंट्री नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी लगा रखी है। और भाई साहब यहाँ से फटाफट आगे चलते हैं गाइस, गाइस यहाँ से अपनी बाइक को भगाते हुए फटाफट चलते हैं, और कोई रास्ता देखते हैं किधर से भी एंट्री मिल जाए बस यार, अंदर जाना है। बाइक तो अपनी बाहर यहीं पार्क कर देंगे कहीं भी। भाई यहाँ पे ये वॉल है, इसके साइड हम इससे चढ़ सकते हैं ऊपर, भैया दोनों बंदे चले जाएं यहाँ से। भाई पंगा ना, कोई देख ना ले बस अंदर कूदते हुए, भाई इसको धक्का लग गया जानबूझ के कराई, जिससे ये बंदा भाग जाए। लड़ेगा क्या आगे, आ जा भाग जा, भागो यार यहाँ से फटाफट, खाली कराना एरिया, क्योंकि बाकी मेन रोड पे खड़े हैं उनको खड़ा रहने दो, ये दोनों को जाना पड़ेगा यहाँ से, जल्दी जाओ यार। हेडफोन लगा के घूम रही हैं मैडम जी। भाई यहाँ से वॉल पे फटाफट चढ़ते हैं और अंदर कूदना है सीधा। बस गाइस अपनी एंट्री हो चुकी है गोल्फ क्लब के अंदर। अब भाई यहाँ झाड़ियों में छुपते छुपाते हमें आगे जाना पड़ेगा, फटाफट चलते हैं यार, कोई देख ना ले नहीं तो गलत सीन हो जाएगा यार। कोई गोल्फ कार्ट मिल जाती तो भाई बहुत बढ़िया हो जाता, यहाँ कोई गोल्फ कार्ट तो दिख ही नहीं रही यार। फटाफट भाग के जाना पड़ेगा छुपते हुए, और भाई कोई देख तो नहीं रहा, कोई बंदा तो नहीं है यार सामने। हाँ भाई वीडियो रिकॉर्ड करने आए, इतना पैसा कहाँ लेके जाओगे, थोड़ा सा हमारी वीडियो पर भी सुपर थैंक्स कर दो मिस्टर बीस आके, या सुपर चैट कर देना। और भाई यहाँ पे गाड़ियों में छुपना पड़ेगा, कोई भाई मैंने अभी देखा पीछे गोल्फ कार्ट खड़ी हुई है आके, तो फटाफट गोल्फ कार्ट को लेते हैं। ये दोनों बंदे जो आए हैं ना ये अभी गोल्फ खेल रहे हैं, मिस्टर बीस के साथ ही हैं इनके। भाई चुपचाप हमें झाड़ियों में छुप के, इनका ध्यान ना हो हमारी तरफ, सीधा गोल्फ कार्ट में बैठ जाएंगे, उन्हें लगेगा कोई यहीं का एम्प्लॉई है वो लेने आया गोल्फ कार्ट। और भाई कोई भी लेके जा सकता है किसी भी गोल्फ कार्ट, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना गोल्फ खेल रहे हैं मस्त। बट मैंने मास्क पहन रखा है, ये दिक्कत है, इन्हें शक ना हो जाए। कोई नहीं गाइस, शक भी होगा तो कोई इनसी दिक्कत है, अपने पास गन वगैरह तो है ही है, मार देंगे, लेकिन ज़्यादा लोगों को मारना नहीं है। भाई इसने गोल्फ कार्ट में बैठते ही, अरे सर मेरे को काम से जाना है, ज़रा दे दो ज़रा थोड़ी देर के लिए। अच्छा है गाइस उसने कुछ नहीं कही,
नहीं तो अरे अरे भाई पानी में गई बाहर निकालनी पड़ेगी। तो गैस बाहर निकाल दिया, बड़ी मुश्किल से निकली बाहर। अब सीधा यहाँ से लेके चलते हैं भाई पानी से बचाते हुए, नहीं तो दोबारा पानी में गिरी तो डूब जाएगी और आगे गहरा पानी है। और भाई साहब यहाँ पे गैस चलते हैं फटाफट, आ तो चुका हूँ मैं यहाँ रोड पे, इस पे पाथ पे चलाता हूँ जिससे किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि वो सोचेंगे ये कैसे चला रहा है, ग्रास पे क्यों चला रहा है। अरे ये देखना रास्ते में खड़े भाई, साइड हो जाओ थोड़ा सा शूटिंग के लिए। भाई शूटिंग चल रही है क्या वीडियो की? इन्हें साइड करके जाना पड़ेगा। हाँ शूटिंग चल रही है, किसी चीज़ का तो प्लान कर रहे हैं। अब भाई मेरे को देखना पड़ेगा आगे की तरफ से, यहाँ ऊपर तो मैं चढ़ नहीं सकता, ऊपर चढ़ जाता तो गाइस आराम से उनका हेडशॉट लेता स्नाइपर से ऊपर से, क्योंकि उन्हें दिखेगा ही नहीं सामने से। बट अगर मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा तो वो मेरे को मार देंगे। तब तो मैं यहाँ पर गोल्फ कार्ट खड़ी करता हूँ और कवर लेके अपनी स्नाइपर निकालता हूँ। सबसे पहले यहाँ से दिख तो रहे हैं यार, एम आ जाना चाहिए मस्त तरीके से। देखो सामने दिख रहे हैं भाई, एक भाई गार्ड्स की कार खड़ी है जो मैं कह रहा था ना रेंज रोवर टाइप की। वो भाई साहब पहले इसका हेडशॉट लें, पीछे वाले का ही ले लेना, आगे वाले को तो मार देंगे, आगे वाले का लेते हैं गाइस। पहला गार्ड गया, ये ओ बच गया गाइस, मिस हो गया फायर। दूसरा भी गया और भाई सब अलर्ट हो गए, अलर्ट हो गए, गलत सीन हो गया। एक और मार दिया मैंने, जितने मर जा भाई ये सारे एक संग भाग के आ रहे हैं, गलत सीन हो गया गाइस। मैं जल्दी से भाई कार्ट भी खराब हो गई है, वहां से किसी ने गोली मारी भाई, इसका टायर इंजन में खराब हो गया। अरे भाई साहब आगे से सारे गार्ड्स आ रहे हैं, तो गाइस सामने की तरफ से गार्ड आ रहे हैं, मुझे कवर लेना पड़ेगा। यहीं पे मैं कवर ले लेता हूँ और अपनी गन निकालता हूँ AK-47 जो भाई लगातार फायर करेगी। इनको भाई दूर से ही मारना पड़ेगा, नहीं तो पास आ गए तो भाई गलत सीन हो जाएगा गाइस, गलत सीन हो गया। इतने सारे गार्ड्स आ गए मेरे तरफ भाई, वो तो अच्छा मैंने आर्मर वगैरह पहन रखा है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा, इनको मारना ही पड़ेगा मेरे को भाई। ये कार्ट पे भी भाई लगातार गोली चला रहे हैं, ये ब्लास्ट हो गई तो मेरा तो आर्मर आएगा, इनको भी मारना पड़ेगा फटाफट गाइस। मारता हूँ मैं फटाफट इनको भाई, पुलिस वगैरह को ना बुला देंगे, ये क्या हो रहा है भाई, इधर से चढ़ चढ़ के आ रहे हैं। मुझे कवर लेना पड़ेगा, गोली मारने देखो कितना खून बह रहा है मेरा, वो तो कहो आर्मर पहन रखा है इसलिए मैं बचा हुआ हूँ। और भाई इनका हेडशॉट लेना पड़, क्या ग्रेनेड फेंकने वाला था भाई, ग्रेनेड वगैरह लेके घूम रहे हैं। मिस्टर बीस्ट है, टेररिस्ट है, सॉरी मिस्टर विश, मैंने आपको ऐसा बोला। बट भाई इतने गार्ड से आपके खतरनाक तरीके से भाई, जिस इंसान को गाड़ी चुराने आया मानने थोड़ी आया तुम्हें भाई साहब। फटाफट मार दिया मिस गार्ड्स को और अब फटाफट मुझे आगे की तरफ से रास्ता देखना पड़ेगा। ये गेट खुलेगा क्या? नहीं यार ये गेट भी बंद कर रखा है इन्होंने, वीडियो के चक्कर में सब बंद कर दी दो तुम। अब मेरे को यहाँ से भाग के सीधे ही जाना पड़ेगा आगे की तरफ। तो गाड़ी फटाफट चलते हैं आगे की तरफ भाग के, और गाड़ी देखते हैं कौन सी है, मुझे खबर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर और कोई गार्ड से हुआ सामने वो सीधा मारेगा मेरे सिर में गोली, क्योंकि मैंने हेलमेट नहीं पहन रखा, आर्मर तो पहन रखा भाई। गोल्फ नहीं खेलना मेरे को अभी इस वक्त, गोल्फ क्लब में एंट्री तो दी नहीं, गोल्फ खेलूंगा। गाड़ी तो देख लूँ कौन सी है। अरे भैया गाड़ी किधर है, इतना ही बैरीगेट तो लगा रखे हैं, यहाँ से निकल तो आएगी। देखो पेड़ के पीछे खड़ी है ना वो लैम ऑर्गेनिसियन, भाई साहब मिस्टर बीस्ट के लोगो वाले कलर में ही है भाई। ये गेट वाले गार्ड्स अलर्ट नहीं हुए, अच्छा है इतनी गोलीबारी हुई इन्हें सुनाई नहीं दिया, हो सकता है वो कुछ अपना बाहर की तरफ ध्यान दे रहे हो, इतने गार्ड्स तो गए थे अंदर से। अब गाइस इधर मैं पहले इसको मारता हूँ, या मैं सोच रहा हूँ ग्रेनेड फेंक दूँ उनकी तरफ, गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाएगी, अपना गेट भी क्लियर हो जाएगा, जिससे हम अपनी गाड़ी लेकर निकल जाएँ फटाफट। तो फटाफट गाइस ग्रेनेड तो डाल दिया दोनों तरफ, गाड़ी ब्लास्ट नहीं हुई क्योंकि आर्मर्ड कार है। अरे भाई साहब गलत तरफ पड़ गया, इसको मारते कवर लेगा तू, तेरी बहस की टांग। वही गाइस एक गाड़ी के पास फेंका, एक और फेंकते हैं, ब्लास्ट हो चुकी है गाड़ी, एक इधर भी फेंकते हैं, ये इधर से आ रहा है, ज़्यादा होशियार बनना। गन निकालता हूँ मैं अपनी फटाफट, तो गाइस गन निकालता हूँ फटाफट, इसको मारता हूँ। और भाई और कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा, एक और आ गया, इसको भी मारते हैं फटाफट, चलते हैं यहाँ से भाग के। भाई आगे से एक और गाड़ी आ रहा है, ये एक ही बचाना है, इसको गोली मार के गिरा देता हूँ मैं। आएगा क्या इधर साइड से घूम के? देखो देखो ये ज़्यादा होशियार बनना भाई, पुलिस वगैरह को फ़ोन ना कर दिया हो नहीं तो गलत सीन हो जाएगा। और गाइस फटाफट चलते हैं गाड़ी की तरफ। और गाइस ये क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे पुलिस पड़ चुकी है हमारे पीछे पूरे 3 स्टार की। तो फटाफट कार में बैठते हैं, चलते हैं सीधा यहाँ से अपनी, भाई लेफ्ट मार के नहीं मिल चुकी है अपने को, सीधा लेके चलते हैं यहाँ से। और गाइस मिस्टर बीस्ट को तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, वो नहीं खरीद लेंगे, उनकी तो एक वीडियो से इतनी कमाई हो जाती है, लैम्बोर्गिनी खरीद लें वो। भाई साहब क्या कट मारा पुलिस की कार ने, या मैंने कट सही मारा जिससे भाई बच गई, वो भाई इनके चक्कर में ठुक गई, इनको नहीं छोड़ूंगा यार, इस वक्त पुलिस से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, सीधा निकलते हैं। अब ठुक गई जितनी ठुक रही है गाइस ठुकने, तो
रिपेयर भाई, फुल आर्मर्ड कार है ये, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लेके चलते हैं भाई, टनल वाला रास्ता मिल जाए तो। और यहाँ पे भाई स्लिप हुई थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं, और सीधा लेके चलते हैं। ये पुलिस वाले टक्कर मार रहे, मार लो भाई, फुल आर्मर्ड कार है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, जो भी खर्चा आएगा वो रिपेयर करा लेंगे, और भाई ये बेच देंगे इंटरनेशनल मार्केट में ले जाके, भाई मिस्टर बीस के नाम से बिक जाएगी कार आदि तो। और फटाफट गाइस यहाँ पर टनल वाला रास्ता मिल चुका है, यहाँ से खुद आते हैं चुपचाप और सीधा लेके चलते हैं टनल पर ही। आगे थोड़े बहुत स्क्रैच आए हैं, ठीक हो जाएंगे, और यहाँ पर टनल में घुसाते हैं अपनी कार को और सीधा चलते हैं लेके। और भाई यहाँ पर नीचे आराम से लेके जानी पड़ेगी गाइस कार, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, और भाई पलट ना जाए एक बार, अगर 84 पलटी तो बहुत मोटा खर्चा आ जाएगा। और भाई पुलिस अंदर ना आनी, अंदर ना आ जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और आप लोगों को, अगर आपने ये वाली सीरीज़ पहली बार देख रहे हो, पहला एपिसोड देख रहे हो, तो आप लोग चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको देख लेना और चेक कर लेना प्लेलिस्ट जाके, उसमें सारे एपिसोड ऐड हैं। भाई आपसे बात करते करते यहाँ पुलिस भी हट चुकी है, अभी नहीं हटी। और हाँ, वीडियो उन वीडियोस को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो। और यहाँ पे पुलिस भाई हट जाओ जल्दी, गाइस पुलिस जा चुकी है यहाँ से हमारे पीछे से। एक बार आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, कितनी मस्त लग रही है ये देखो, तो एकदम मस्त तरीके से पीछे से आग निकल रही है इसमें से ये। और इधर से अब सीधा चलते हैं फटाफट गाड़ी को भगा के, एक बार घुमा के दिखाता हूँ पीछे से, क्या मस्त आग निकल रही है। तो यहाँ पे फुल एक्सीलरेटर दे देता हूँ और भाई क्या मस्त आग निकल रही है, या फिर बंद हो गई, एक बार और ये देखो मस्त तरीके से। और यही दिखाना चाह रहा था मैं आपको, चलते हैं सीधा यहाँ से गाड़ी को ऊपर लेके। और इधर से भाई ऊपर चढ़ाने का भी एक टास्क है सबसे ख़तरनाक, क्योंकि यहाँ से पलटने का रिस्क है बहुत तगड़ा। अब यहाँ से लेके चलते हैं भाई, पुलिस वाले बाहर ही ना खड़े हों गन लेके कि मैं बाहर निकलूँ और मेरा हेडशॉट। तो गाइस यहाँ से लेके निकलते हैं फटाफट अपनी कार को, भाई यहाँ पे बैरिकेड टूट गया यार, कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप निकलते हैं। और भाई यहाँ पे उन्होंने पूरा रास्ता खाली करा दिया था, ये दो बंदे ऊपर कैसे खड़े हैं नज़र रखने के लिए, नहीं अच्छा वो अपना चिल कर रहे हैं मस्त। भाई अभी अभी एक पुलिस की गाड़ी निकल के गई है यहाँ से, भाई ये खुदा दी क्या उन्होंने हमें पकड़ने के लिए, हम पे गोली नहीं, अच्छा वो पीछे गाड़ी वाले को मार रहे थे, मैं कह रहा मेरे पे गोली चला रहे हैं भाई, अभी तो पीछे छूटा था जैसे तैसे। चलते हैं फटाफट गाइस, फटाफट अपने बगात के आ चुके हैं बॉस के एरिया में। और भाई यहीं पास में ही है बॉस का वो सीक्रेट बेस नहीं है, वो बॉस ने एक घर खाली पड़ा था उसको ख़रीद लिया है और वहीं पर अपना गैराज बना लिया। कहते हैं कि जब भी कोई गाड़ी चुरा के लाओ तो सीधा यहीं आके छुपा दिया करो, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया में कोई इतना आएगा नहीं चेक करने, क्योंकि ये खाली पड़े रहते हैं घर, या लोग रहते भी हैं तो ये गैंग वॉर के चक्कर में, इधर पुलिस ज़्यादा चेक नहीं करती है। और यहाँ पे पार्क करते भाई, गैराज खोला नहीं खोला इन्होंने आज भी, आज फिर से नहीं खोला इन्होंने, चाबी भिजवाना भूल गए, हमें तो दी नहीं थी, वो गए थे कि खुलवा दूंगा मैं गैराज, आज फिर नहीं खुलवाया, कोई नहीं हम ही लेके चले जाएंगे जब मंगवाएंगे कार। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना मैं अब नेक्स्ट कौन से यूट्यूबर की कौन सी गाड़ी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।